हेलो साथियों, मैं हूँ रचना और फिटनेस विद रचना में आप सबका स्वागत है। पिछली मैंने अपनी कुछ वीडियोस में बताया था कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए, यानी कि हमें खाने को अच्छे से चबा चबा के 32 बार चबा के उससे भी ज़्यादा चबा चबा के खाना खाना चाहिए। इस फॉर्मूले को मैं बोलती हूँ चूइंग प्रोसेस, और ये एक ऐसा मैजिकल फॉर्मूला है जो कि 100% काम करता है हर किसी के साथ। इससे इतना ज़्यादा फैट लॉस होता है, इतना ज़्यादा वेट लॉस होता है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना वक्त गवाए आज हम ये सीखते हैं कि ये फॉर्मूला वर्क कैसे करता है, मतलब ये फॉर्मूला कैसे काम करता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने दांतों को, जिनको कि हम पहले बिल्कुल भी यूज नहीं करते थे, जब हम उनको प्रोसेस में लाते हैं तो हमारे मुंह में ना लार बनती है। लेकिन ये लार हर बार जब हम चबाते हैं तो एक नई लार बनती है, मतलब कि हम जितना ज़्यादा चबाते हैं उतनी ज़्यादा हमारे मुंह में लार बनती है। इस चीज़ को आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं दोस्तों। आप अपने खाने को लीजिएगा और अच्छे से चबाइएगा। जब आप उस खाने को कम चबाएंगे तो आप देखेंगे कि वो सूखा सूखा से लगेगा। और जो लोग अपने खाने को प्रॉपर च्यू नहीं करते ना, उन्हीं लोगों को खाने के साथ पानी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो लोग अपने खाने को प्रॉपर च्यू करके खाते हैं, अच्छे से चबा चबा के खाना खाते हैं, उन लोगों को खाने के साथ कभी भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे मुँह में इतनी ज़्यादा लार बनती है कि हमारा वो खाना ऑलरेडी स्लाइवा की फॉर्म में तब्दील हो जाता है, उसी फॉर्म में वो ना बदल जाता है बिल्कुल पानी वाली फॉर्म में, और हम उसे यूं ही सटक लेते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम खाने को अपने मुंह में डालते हैं और अच्छे से चबाते हैं तो वो लार के साथ इतने अच्छे से मिक्स हो जाता है, बिल्कुल पानी वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उस खाने का डाइजेशन हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। वो खाना आधे से ज़्यादा हमारे मुंह में ही पच जाता है। तो जब वो खाना हमारे पेट में जाता है, यानी कि हमारे आमाशय में, तो वहाँ पे जितने भी जूसेस होते हैं जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उनको उतना वर्क नहीं करना पड़ता, उनको ऑलरेडी पचा पचाया खाना मिलता है, तो वो उस पचे पचाए खाने को बहुत ही आसानी से पचा लेते हैं, जिससे कि हमारे पेट में गैस नहीं बनती, हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है। जिन लोगों को एसिडिटी की दिक्कत होती है उन लोगों को वो दिक्कत भी नहीं होती। बहुत से लोगों को ना ब्लोटिंग हो जाती है, मतलब उनका पेट ऐसे फूल जाता है, तो इस वाले फॉर्मूले से वो जो ब्लोटिंग की प्रोसेस है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, होता क्या है, इस वाले प्रोसेस से हमारा पेट ना कम खाने में ही भर जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, साइंस ये कहती है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माइंड तक एक सिग्नल पहुंचता है कि हमारा पेट भर गया है, और ये सिग्नल पहुंचने में 20 से 30 मिनट का समय लगता है। और जब हम रेगुलर वे में खाना खाते हैं तो हम एक बड़ी थाली में खाना रख लेते हैं और उसमें बहुत सारा खाना रख लेते हैं और हम उसे जल्दी 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 खा लेते हैं। तो सोचिए दोस्तों, आप आधे घंटे में कितना सारा खाना खा सकते हैं। इसी वजह से हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं और हम लोग मोटे हो जाते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले के द्वारा, यानी कि च्यूइंग फॉर्मूले के द्वारा, जब आप खाना अच्छे से चबा चबा के खाएंगे तो आप थोड़े से खाने को ही अच्छे से आराम से 20 से 30 मिनट में ख़त्म करेंगे। मैं दोस्तों एक रोटी को विद सैलेड आराम से 30 मिनट में ख़त्म करती हूँ। तो जब आप इसी तरीके से खाने को लंबे टाइम तक लेके जाएंगे तो कम खाने में ही आपके दिमाग में ये सिग्नल पहुंच जाएगा कि आपका पेट भर चुका है, तो आप कम खाना खाएंगे, आप कम ईट करेंगे और आप ओवर ईटिंग से बच जाएंगे। ये फॉर्मूला इसी तरीके से वर्क करता है दोस्तों। ये कम खाने में हमारे पेट को भर देता है, इससे हमारी एपेटाइट कंट्रोल होती है, कम खाने में ही हमारा पेट भर जाता है, और जिसकी वजह से हमें वेट कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छा लगा हो, तो आप इस फॉर्मूले को प्लीज़ फॉलो कीजिए, और आपके ऊपर इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ा आप मुझे ये कमेंट में बताइएगा प्लीज़। और प्लीज़ दोस्तों, इस फॉर्मूले को आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये फॉर्मूला बिल्कुल फ्री का है, इसमें आपका एक रुपया भी खर्च नहीं हो रहा। तो आप इस फॉर्मूले को ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसका क्या रिजल्ट देखा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके दोस्तों, बाय बाय।